हमारे जो अभी तक मेरे साथी महेश जी वो कविता अपनी पेश करने जा रहे हैं, इसके पहले अभी खुद का परिचय अपने आप तो नहीं देते ना कि भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ। मैंने सोचा चलो उनका परिचय मैं देता हूँ। तो महेश जी है राजस्थान के और सलीना जी कहाँ चले, यहाँ बैठी थी अभी तक, शायद अभी वो गाने वाले इसलिए वो डर के अपना नहीं हाथ कर रहे तो है। ओके, तो आपके लिए एक बात बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता। महेश जी एक बार भैंस खरीद रहे तो जो बेचने वाला था उसने 25,000 मांगे। तो महेश जी बोले अरे थारी भैंस की एक आंख तो खराब है फिर भी तू 25,000 रुपया मांग रहे हैं। तो जो बेचने वाला सुंदर बोला महेश तन्ने भैंस दूध खाकर चाहिए कि नैन मटकता करवा। तो संभाल लीजिए भैंस के साथ नैन मटकता। ओके, तो अभी एक जस्ट इट वाज इन लाइट ऑफ एंड महेश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमएस की डिग्री हासिल है, सीपीए है, यहाँ शेयर ऑयल कंपनी में पिछले 20 साल से भी ज्यादा साल से काम कर रहे हैं, हिंदू वर्शिप सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट हैं, वाइफ संगीता जी, 3 बच्चे, प्लेस वॉलीबॉल टेनिस क्रिकेट ऑलराउंडर है, कविता भी कर रहे हैं, पूरे तरह से ऑलराउंडर है। मैं महेश जी को बुलाऊंगा। महेश जी धन्यवाद संजय जी, आज मैं सेफली घर जा सकता हूँ क्योंकि आपने मेरा नैन मटक का भैंस के साथ ही करवाया। तो खैर मैं हम लोग कविता की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जैन परीक्षा सेंटर में जूते सबसे पहले बाहर ही रखवा दिए जाते हैं, तो हमें चिंता है कि हमारे जूते बाहर रखे हैं। तो मन में विचार आता है कि महफिल में घर हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे। अरे महफिल में घर हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे। संजय जी ने कहा आप कविता शुरू तो करें, इतने आएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। और संजय जी की हमें एक और भी एडवाइस है, इन्होंने कहा मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा, जब तुम पे भी पढ़ेंगे अंडे टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम करो। तो संगीता खाना वाना बनाने की कोई चिंता नहीं है, सब्जी के लिए ग्रोसरी स्टोर पे हमें रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम क्या वहां पहुंचे उससे पहले चलिए मैं कविता अपनी शुरू करना चाहता हूँ। इस कविता में एक्चुअली हमारे गूगल मामा का बहुत बड़ा हाथ है, तो हमने गूगल किया होली पे कुछ अगर कविता तो कुछ शब्द में हमें वहां से मिले और उससे प्रेरणा लेके फिर बाकी कविता अपने आप मैंने लिखी है। पहला मेरा प्रयास है तो आप क्षमा करें, वैसे सुरक्षा की दृष्टि से जूते वगैरह सब बाहर ही होगा। तो जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, जब डप की थाप धमकती हो तब देख बहारें होली की, जब हाथों में पिचकारी हो साजन को गोरी प्यारी हो, सजना के जल में देख देख जब गोरी वारी न्यारी हो, तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, हर रंग के रंग चमकते हो तब देख बहारें होली की, गुलजार खिले हो परियों के और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पे रंग के छींटों से खुश रंग अलग गुलकारी हो, तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की। और उपाध्याय जी ने अभी हमें ब्रज भाषा में ब्रज की जरा यात्रा कराई, तो हम देखते हैं कि राधा कृष्ण का इसमें क्या आनंद है होली का। राधा को श्याम मनाते हो तब देख बहारें होली की, मुरली से उन्हें लुभाते हो तब देख बहारें होली की, उन कंज गलिन की खिड़की
से उन कुंज गली की खिड़की से राधा की मीठी झिड़की से टेढ़ी भकटी रंग काल लाल सुंदर जो नैन कटारी हो तब देख बहारे होली की तब देख बहारे होली की भाई से भाई गले मिले तब देख बहारे होली की और रंग बिरंगे गात खिले तब देख बहारे होली की जब भंग छने और यार मिले बरसों का बिछड़ा प्यार मिले महफिल में जम के मस्ती हो और शोफर ड्रिवन कार मिले तब देख बहारे होली की तब देख बहारे होली की। और ये जो आखिरी पंक्तियां हैं ये मैंने आज के समाज में जो समस्या हम सब लोगों के साथ होती है उसके बारे में लिखी है। हो माँ बापू की आशीष मिले तब देख बहारे होली की यह बहु की मत बख्शीश मिले तब देख बहारे होली की दादा दादी नाना नानी बच्चों संग रंग बसंत करें। थोड़ा शब्दों का फेर है। दादा दादी नाना नानी बच्चों संग रंग बसंत करें ओल्ड होम में अम्मा जाएगी इस सोच ही का बस अंत करें तब देख बहारे होली की तब देख बहारे होली की तब देख बहारे होली की। चलिए खैर फिर थोड़ा रंग बदलते हैं। आजकल वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है तब क्रिकेट तो आप सब लोग देखते ही होंगे तो जब से धवन और कोहली ने मुझे रखी है दोनों ही धुरंधर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बात को अब देख के हमें पता लगा है कि महिला क्रिकेट की प्रगति हो क्यों नहीं पा रही है। यही प्रॉब्लम। और क्या वैसे भी अब आप में से तो बहुत सारे जवान हैं पर काफी मिडिल एज के अधेड़ भी हैं तो हम मिडिल एज के अधेड़ों के साथ ये बड़ी समस्या है कि जब हम चश्मा लगाएं तो लड़कियां हमें नहीं देखती और जब हम चश्मा नहीं लगाएं तो हमें लड़कियां नहीं देखती। समस्या है। वैसे चश्मे से मुझे याद आया कि हमारे चाचा जी ना ससुराल गए थे अब राजस्थान के रहने वाले हैं लोग उनकी सास उनके लिए दूध का गिलास लाई उन्होंने देखा फेंक दिया। सास ने सोचा मुझसे नाराज होंगे साले के साथ गिलास भेजा उन्होंने देखा फिर फेंक दिया। अब की बार साली के साथ भेजा फिर फेंकने वाले थे तो साली जी ने पूछा जीजा जी क्या बात है। मेरे चाचा जी बोले जी दूध में मक्खी है। साली जी बोली जीजा जी दूध में मक्खी को नहीं ताकि चश्मा के कांच के ऊपर चिपकी है बिना साफ कर लो। वैसे सालियां तो महिलाएं होती है ना तो महिलाएं भी जो है बड़ी विचित्र होती है। तो सब बहुत सारी बैठी हैं पर अभी तो मैं सबके साथ में हूं तो अपनी पत्नी से भी ज्यादा डरने की जरूरत है। तो वैसे हाँ आज तो पर सब्जी वगैरह का इंतजाम तो है। हाँ सबसे पहले मैं कहूँ उससे पहले सारी पत्नियों की तो ऐसे भी पत्नियों में आजकल जो मॉडर्न है ना इनमें ऐसा सिम कार्ड लगा हुआ है कि उसमें सिर्फ आउटगोइंग कॉल ही होती है इनकमिंग तो होती ही नहीं आप कुछ भी कहते हैं। और वैसे भी पत्नियों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि पति कंट्रोल में रहे और पति के लिए यह आवश्यक है कि वो समझे कि पति कंट्रोल में है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जब आप ऑफिस से आए तो हमेशा मुंह लटका के आए हमें घुसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना छोटा सा आप चेंज कर लेंगे आपका जीवन कितना सुधर सकता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा बाकी और कुछ मटेरियल है वो बाद में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद और